सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आज अवार्ड मिला है, किस कैटेगरी में मिला है सर, कुछ अगर आप बता सकें तो। बेस्ट एक्टर वही इंसान वही और आप लोग भी वही बेस्ट वर्सेटाइल एक्टर। अच्छा लगता है आई थिंक वर्सेटाइलिटी के लिए जब अवार्ड मिलता है डेफिनेटली तो लगता है कि इतने जो मैंने वैरायटी के रोल्स अब तक जो मैंने किए हैं डिफरेंट शेप्स डिफरेंट कैरेक्टर्स तो लोग कहीं ना कहीं बहुत पसंद आए मैम। आप क्या कहना चाहोगे? ये बहुत कम आती है आज। हाँ आ जाए जरूरी है। ओके शेयर सर, अगर हम बात करें अवार्ड मिला कितना मायने रखता है, क्योंकि इट इज़ अ रिकॉग्निशन। बिल्कुल यार, आई थिंक कोई भी किसी भी एक्टर या टेक्नीशियन को किसी को भी अवार्ड मिले तो कॉन्फिडेंस जो लेवल है अपना ये बहुत मिस होता है। आपका जो एक कहीं ना कहीं वो काम करने की जो पैशन है, जो आपकी ऑनेस्टी सिंसियरिटी है, वो उससे और ज़्यादा बढ़ जाती है और आप चाहते हैं कि यू वांट टू गिव योर बेटर द नेक्स्ट टाइम। तो जब भी अवार्ड मिलता है अवार्ड रिवॉर्ड किसी भी तरह का अप्रिसिएशन ग्रेट और आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे इतने सालों के बाद भी लोगों का प्यार जो है वो कम नहीं हुआ, बढ़ते ही चला जाता है। कि कई बार होते हैं प्रोजेक्ट्स आप कर रहे होते हैं, कई बार आप ब्रेक लेना चाहते हैं, तो अभी थोड़ा मेरा हल्का पीरियड चल रहा था जब मैं थोड़ा आराम करूँ और नए नए लोगों से मिलूँ और नया कुछ काम करूँ, तो अभी वो पीरियड चल रहा है लेकिन बहुत जल्द पीरियड खत्म होने वाला है। आई वॉन्ट गेट बैक टू वर्क। सबसे मुझे कह रही है कि बस हो गया, बहुत हो गया, आप कुछ करो, आई वॉन्ट टू सी यू। सो यस, होपफुली आई प्रॉब्ली कम बैक वेरी सून एंड अ नाइस न्यू इंटरेस्टिंग वे। कैसे वर्क करता हूँ? ओके, क्या है मतलब कुछ फिल्म या शो आ रहा है कुछ अगर आप बता सकें? नहीं मैं वो तो नहीं बता सकता, बट हाँ आई एम वर्किंग ऑन अ फ्यू थिंग्स राइट नाउ। जैसे मैं आपसे बहुत इंटरेस्टिंग टैलेंटेड एक्साइटिंग लोगों से मिल रहा हूँ, नए नए रिलेशंस, नए नए बॉन्ड्स लाइफ में बहुत ज़रूरी होते हैं, पहले के भी हैं, अब के जो नए लोगों से मिलते हैं लाइफ में तो बहुत कुछ सीखते हैं। उन्हीं में से एक है राशिद भाई। आइए आइए। मतलब हम कुछ ही महीनों से जुड़े हैं लेकिन इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है कि इतना ज़्यादा यू नो टैलेंटेड होने के बावजूद भी आई थिंक ही इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर बिहार में फिल्म इंडस्ट्री इन द इंडस्ट्री। सर क्या कहना चाहेंगे? शरद सर ने बहुत ऑलरेडी यू आर द प्यार है भाई साहब, बहुत खुद बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं और बहुत जल्दी बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे इंशाल्लाह। ऑल दिल से दुआएं और दुआएं चाहिए, हमेशा कहता हूँ आपको, और कुछ नहीं चाहिए, दुआएं चाहिए। सर नागिन में सुनने आए कि आपको थोड़ा डेब आ सकता है, आपका वाइल्ड कार्ड एंट्री नागिन में तेजस्वी प्रकाश के साथ आप कर सकते हैं कुछ? तेजस्वी प्रकाश तो आई थिंक जहाँ तक मैंने शुरू में देखा था, अभी तक बहुत शुरू में जब स्टार्ट हुआ था नागिन सिक्स तो तेजस्वी तो आई थिंक शुरू से ही शी इज़ वेरी गुड एक्ट्रेस, बहुत मेहनत करती है एंड शी लुक्स नाइस ऑन स्क्रीन। शी हैज़ ऑल्सो आई थिंक डन अ वेरी गुड जॉब। हम होपिंग कि कहीं ना कहीं अगर कभी मौका मिले डेफिनेटली। ये लोग आपको चाहते थोड़ा वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाए नागिन में आपका, तो आप अगर आपको मौका मिले वाइल्ड कार्ड कितना वाइल्ड होगा कब होगा डेफिनेटली जब भी हो जो भी हो सही चाहे फिल्म हो टी वी हो ओटीटी हो कुछ भी कुछ भी इंटरेस्टिंग। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्साइटिंग हो इंटरेस्टिंग हो थोड़ा हटके हो तो मुझे काम करने मजा आता है, तो मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। मतलब एक मोनोटनी सेटिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मेरी मॉम इवन शी ऑल्सो नोस कि कुछ भी काम हो वेरिएशन एक ग्राफ होना चाहिए। जैसे म्यूजिक में भी ग्राफ हो तो मज़ा आता है, एक्टिंग में भी ग्राफ हो तो मज़ा आता है और कैरेक्टर में ग्राफ बहुत ज़रूरी है। तो मैं देख रहा हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि हम लोगों से मिल रहे हैं बातें कर रहे हैं, होपफुली बहुत जल्द मैं आप ही से कहूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। रियलिटी शो से आप काफ़ी दूर रहते हैं, चाहे बिग बॉस हो खतरों के खिलाड़ी। मुझसे पूछते हैं कि रियलिटी शो कौन सा आने वाला है लेकिन आई थिंक काफ़ी दूर रहते हैं लेकिन खतरों के खिलाड़ी का फिनाले चल रहा है टाइम। हाँ कोई है आपके फेवरेट फेस टू जन्नत? वो देखिए पकड़ लिया फिर। हाँ बिल्कुल आई थिंक खतरों देख रहे हैं शायद मोहित है, मोहित है फिनाले में पहुंच गए, मोहित है आई थिंक और भी है आई थिंक डेफिनेटली 4-5 लोग हैं। हां सो आई थिंक विशिंग एवरीबॉडी यार, आई थिंक सब अपने में एक खिलाड़ी है और सब अब तक यहां पहुंचे हैं फिनाले तक तो बहुत बड़ी बात है यार। इट्स नॉट इजी कि मेंटली और फिजिकली आपको इतना स्ट्रांग होना पड़ता है, इमोशनली भी आपको इतना स्ट्रांग होना पड़ता है। सो आई एम श्योर दे
हैव डन देयर बेस्ट और उसके बाद फिनाले में पहुंचे हैं. सो हैट्स ऑफ. एक आखिरी सवाल, सुरभि मैम के साथ कोई सॉन्ग में का बारे में? नहीं नहीं, सॉन्ग कोई कर सकता है? सॉन्ग कोई कर, सॉन्ग कोई सुरभि मैम के साथ या जो ऑलरेडी आपके सॉन्ग्स आ रहे हैं? हाँ, वो मैं कह सकता हूँ. मेरे कुछ म्यूजिक वीडियोज आ रहे हैं जिनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा. आई थिंक हाल ही में मेरा एक वीडियो आया अभी, एनी किस्मत, जो लोगों ने बहुत पसंद, हाँ, रामजी गुलाटी के साथ बहुत पसंद हुआ है. हाल ही में लोगों ने बहुत पसंद किया है और वहाँ पे आपसे मुलाकात हुई थी और पता नहीं कितने, कुछ 6-7 million ऑलरेडी हो चुके हैं व्यूज़. तो ठीक है, आई थिंक व्यूज़ तो ठीक है, बट लोगों का प्यार भी बहुत मिला है. काफ़ी लोग रील्स बना रहे हैं, आगे भी चल के बहुत वीडियोज बोलेंगे. सर आप बताइए, आप बताइए कब आ रहा है नया सॉन्ग? एक वीडियो मैंने आशिफ मैंने साथ में किया है और भी हम बहुत चीज़ों पर बात कर रहे हैं. तो बहुत जल्द मेरे वीडियोस के जो लाइनअप है वो आप लोगों को जरूर देखें. एक लवली मैसेज टू योर फैंस. थैंक यू फॉर द लव यार. आप लोग इतना प्यार देते हैं हमेशा, चाहे वो अवार्ड फंक्शन हो, इवेंट्स हो, सेट पर हो, इतना प्यार दिया आप लोगों ने पिछले 17-18 सालों में कि शायद उसे कैसे मैं लौटा पाऊँ मुझे पता नहीं. बट यस, अच्छा लगता है जब हाथ में अवार्ड आता है. तो ये अवार्ड एक्चुअली मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ मेरे फैंस हमेशा की तरफ. मेरी जो ऐसे मामी हैं, जो मेरे फैंस हैं, व्यूअर्स हैं, ये एक्चुअली ये ज़्यादा उम्मीद है बिकॉज इतना प्यार दे रहे हैं, इतनी दुआएं दे रहे हैं. ऑल द बेस्ट विशेज. इट ऑल काइंड ऑफ टर्न्स टू दिस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. बहुत जल्द मिलेंगे, बताऊँगा कि मैं अगला क्या करूँ. थैंक यू सर. थैंक यू. आराम.